अगर लाइट रे, क्या अगर लाइट रे गैस से लेयर में जाए तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस गैस मीडियम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो लाइट रे लेयर में ना जाकर गैस में ही लौट जाएगी और उतने ही एंगल पर लौट जाएगी जितने पर आई थी, जितने पर आई थी। ध्यान दो यहां गैस मीडियम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा होता है ज्यादा, तो रेयर मीडियम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है वन। तो अब मुझे बताओ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कम बटे ज्यादा, कम बटे ज्यादा एक बटे दो, साइन कितने इसका मान एक बटे दो होता है तीस, तो क्रिटिकल एंगल आ गया तीस। तो अगर तुम टी आई आर चाहते हो, अगर तुम टी आई आर चाहते हो यानी अगर तुम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहते हो तो उसकी शर्त है द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, समझे। तो अब यहां देखो ये डेंस मीडियम, ये रियर मीडियम है, यहां पर लाइट भी आ रही और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वो क्या होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 30 से ज्यादा कोई एंगल बोलो, पहले कोई एंगल बोलो 31, हां 31। तो मान लो लाइट जो आ रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, टी आई आर क्या कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अब पूरी लाइट टोटल इंटरनल मतलब उसी मीडियम में और रिफ्लेक्शन मतलब लौट जाएगी, और रिफ्लेक्शन का रूल क्या है जितने पे आएगी उतने पे जाएगी। तो यहाँ बताओ कितने एंगल पे लाइट आ रही है 31, क्या ये 31 डिग्री 30 से ज्यादा है यस सर। तो अब ये लाइट पे 30 से ज्यादा है 31 पर आई 31 पे जाएगी, 31 पर ही जाएगी, इस बात को अच्छे समझ लो, समझे कि नहीं, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर जाएगी, यही तो रिफ्लेक्शन है ये रिफ्लेक्शन है ये रिफ्लेक्शन, लेकिन हो रहा है जस्ट लाइट रिफ्लेक्शन जितने भी आएगी उतने भी जाएगी। अब सुनो अपने दूसरा बच्चा बोलेगा सर ऐसा हो मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये 35 डिग्री हो yes, तो बताओ लाइट रे कितने एंगल पर जाएगी 35 डिग्री, समझ गए जितने एंगल पर आएगी उतने पर जाएगी, समझ गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा जब डेंस से रियल में जाए लाइट पहली बार और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो yes। अब तुम ये कैसे डिसाइड करोगे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कि नहीं, उसका मैंने स्टार्ट में बता दिया साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल बराबर कम बटे ज्यादा, अब तुमको दोनों में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है कम ज्यादा डिसाइड कर ही सकते हो इतने पढ़े लिखे हो, कम ज्यादा ये 30 आ गया, तो 30 से बड़ा कोई भी एंगल होगा तो लाइट आएगी और उसी में लौट जाएगी, लेकिन अगर 30 से कम होगा तो ऐसा नहीं होगा तो लाइट आएगी और अगले मीडियम में जाएगी, समझ पाए। हेडिंग लिखो डेविएशन इन टी आई आर, डेविएशन इन टी आई आर, ध्यान से सुनना, यहां पे लाइट रे आ रही है ठीक है आई एंगल पर, यहां पे लाइट रे डेंस रे डेंस से रेयर में जा रही है और ये आई एंगल पर आ रही है yes, तो आई बदी जाएगी yes, अगर टी आई आर हो रहा है तो yes, बोलो yes, ये एंगल आई हो गया ये आई हो गया। पहले बताओ लाइट रे कौन से एंगल कैसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी yes, तो ये ऐसे ही नहीं जाएगी, दिस इज इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी इसका प्रारंभिक रास्ता ये है और जा ये ऐसे नहीं है yes, तो क्या दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ये वही कोड है जिससे मुड़ गई yes, तो मुझे बताओ इसको लिखे अगर मैं डेल्टा में लिखता हूँ डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से सुनना कितने एंगल से मुड़ गई, भाई आप ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं कितने एंगल से आप मुड़ गए, डेविएशन मतलब आपके ओरिजिनल पाथ और फाइनल पाथ के बीच में कितना एंगल बनता है, तो ओरिजिनल पाथ ऐसे था अच्छा ऐसे नहीं है, यही तो एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है आने वाले रास्ते की दिशा और जाने वाले रास्ते की दिशा के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी वैल्यू बताओ इस डायग्राम को देखकर, जोड़ो
आई टू आई प्लस डेल्टा डेल्टा बराबर 180 डेल्टा की वैल्यू क्या आई 180 माइनस 2 आई समझ पाए देख ये हो गया अब एक चीज और सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर कभी लाइट रे क्या दो मीडियम को सेपरेट करने वाले फेस पर आए और नॉर्मल के अलोंग आए जैसे नॉर्मल है ना और लाइट रे इसी के अलोंग आए तो आई कितना जीरो तो आर भी क्या होगा जीरो क्यों स्मिथ का कहता है एन वन साइन आई बराबर एन टू साइन आर तो इसे बड़ा कर दिया एन वन एन टू से तो आई कितना है जीरो तो ये जीरो हो गया आर बराबर है इसको जीरो होना पड़ेगा तो आर भी जीरो आएगा यानी अगर लाइट रे नॉर्मल के अलावा आएगी था सुना ही नहीं अगर लाइट रे नॉर्मल की दिशा में ही आएगी उससे कोई एंगल नहीं बनाएगी तो मुड़ेगी नहीं सीधे रहेगी ये स्पेशल केस से बना अब इस पे सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है ध्यान से सुनना इस पे सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया ध्यान सुनना बोर्ड पे देखो बोर्ड पे देखो अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो प्रिज्म का है इसका प्रिज्म का हां देखो ये प्रिज्म है इसका ये राइट एंगल प्रिज्म है ये 90 डिग्री हो गया ये हो गया 45 डिग्री ये भी हो गया 45 डिग्री ठीक है इतना ठीक है इतना ठीक है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन है वो 2 है और बाहर एयर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ 1 इसका एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 यहां भी बताओ अब तुम्हारे एग्जाम में कई बार ये सवाल आ चुका है कि अगर लाइट वे को ऐसे भेजा जाए कैसे ऐसे तो इसके आगे का पाथ क्या होगा अगर लाइट वे को ऐसे भेजा जाए जैसे बनाया तो इसका आगे का पाथ क्या होगा पहले एक चीज सुनो पहले एक चीज सुनो यहां देखो इसको ये फेस है इसके ऊपर नॉर्मल ये इस फेस को मैं ऐसे रख दूं तो ये नॉर्मल भी ऐसे घूम जाएगा हाँ यार तो मुझे बताओ इस वाले फेस के लिए नॉर्मल ये है कि नहीं यस नॉर्मल के अलावा इसी दे है नहीं दिस इज नॉर्मल समझ पाए और अगर लाइट रे नॉर्मल के अलावा आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना जीरो ये लाइट रे सीधे जाएगी पहले समझो समझ गए ये बात सबको समझ में आई देखो यहाँ पर अगर मुझे नॉर्मल खींचना हो तो मैं ऐसे खींचूंगा हाँ बोलो यहाँ पर नॉर्मल खींचना हो तो मैं ऐसे खींचूंगा हाँ बोलो यहाँ पर नॉर्मल तिरछा है तो ये तिरछा होगा ऐसे हाँ बोलो और ये कौन सी रे है इंसिडेंट रे इस नॉर्मल पर ना यस मुझे बताओ ये एंगल कितना है 45 ये एंगल कितना है 90 ये कितना बचा 45 और ये तुमने नॉर्मल खींचा है पूरा 90 डिग्री है हां तो नॉर्मल है पूरा 90 डिग्री है ये कितना होगा 45 अगर ये 45 है इस फेस पर देखो लाइट कहां जा रही है डेंस से रेयर और जब भी लाइट रे डेंस से रेयर में जाती है तो एक खतरा होता है टीआईआर क्रिटिकल एंगल यस उसको जरा चेक करो मुझे बताओ डेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से ज्यादा रेयर का कम 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल 30 30 अरे 1/2 तो थीटा से कितना आया 30 तो क्या ये क्रिटिकल एंगल में लाइट आ रही है या उससे ज्यादा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लग जाएगा ज्यादा कितने एंगल पे आ रही है 45 पे आ रही है तो 45 पर ही जाएगी इस मीडियम में नहीं जाएगी टीआईआर हो जाएगा हां तो आप चलो फोटो बनाओ ये हॉरिजॉन्टल है बोलो हां हां सर ये वर्टिकल है बोलो हां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल बोलो 90 कितने एंगल पे लाइट आ रही है 45 कितने पे जाएगी 45 क्या ये 45 90 हो गया यस तो ये लाइट सीधे जाएगी और जब यहां पहुंचेगी तो यहां वाला नॉर्मल भी ऐसे ही होगा तो जितने एंगल पे आ रही है जीरो पर उतने पे चली गई यानी ये लाइट ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी समझ में आया मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं देखो यहां पे लाइट ने सीधे आई सीधे गई यहां पर ध्यान दो यहां पर नॉर्मल ये है यहां पर नॉर्मल ये है ये 90 ये 45 ये 45 अब पूरा 90 डिग्री है तो ये 45 और ये 45 बचा तो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से 45 बना रही है
अब उसके बाद यहाँ रुक जाओ, अब क्रिटिकल एंगल निकाल लो कम बटे ज्यादा से, तीस हर्ट्ज आया, तीस हर्ट्ज आया। तो अब ये लाइट रे, अब ये लाइट रे 45 हर्ट्ज पे आ रही है, अब क्रिटिकल एंगल 30 है, तो 30 से बड़ा है ना 45, तो लाइट रे दूसरे मीडियम में ना जाकर टी आई आर करेगी, मतलब उसी मीडियम में उसी एंगल पर लौट जाएगी। तो इसी नॉर्मल से 45 पे आएगी और इसी नॉर्मल से 45 पर जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी। और यहाँ तो नहीं समझ रहे आई बराबर जीरो आर बराबर जीरो, भैया जी वाला केस तो वही है, आई बराबर जीरो आर बराबर जीरो, क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया, बोलो कितने लोग। अब आगे बात, अगर मैं अब इसका आंसर तुम लोग सब लोग चाहता हूँ, ये समझ में आ गया, यहाँ एन कितना था वन, यहाँ कितना था टू, लाइन ऐसे आई ऐसे गई, क्यों गई समझ में आया। अब यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे अपना सवाल बदल रहा हूँ, लाइट ऐसे आ रही है, ये वन है, ये रूट टू है, अब बताओ लाइट कैसे जाएगी, पहले ये सॉल्व करो ग्रिड का एंगल, पहले ग्रिड का एंगल 45 वन बाई रूट टू, तो सर वो या सर वो हाइपोटेन्यूज बात सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, अब ये लाइट ग्रिड का एंगल बदल जाएगा, कब बदल जाएगा 45, जो 45 से आया। अब मुझे बताओ लाइट रे ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, ये पूरा 90 है 45 वो हाइपोटेन्यूज के अलावा ऐसे, क्या अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 वो क्रिटिकल एंगल से मैच कर गया, सिविल लाइट रे नॉर्मल से 90 डिग्री में घूमेगी और ऐसे जाएगी, समझ पाए जी सर, समझ पाए, इसके लिए उत्तर को टेस्ट करते नहीं समझे। तो देखो जैसे मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदला वैसे क्रिटिकल एंगल बदला, और क्रिटिकल एंगल के बदलने से उसके जाने का रास्ता बदल गया, ठीक समझ गए, अरे समझ गए, इसे बना लो।